अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पहुंच गए हैं हमारे कैपिडोकिया के केव में, मतलब हमारे अपार्टमेंट में। ये रहा सलकीम के। तो चलो चलते हैं जल्दी से, मैं आपको रूम टूर और जो होटल का टूर है वो देती हूं। तो चलो चलते हैं, आइए। तो ये है सलकीम केव हाउस। अमेजिंग, बड़ा ही खूबसूरत सा है। ये सारे जितने आपको ऊपर दिख रहे हैं ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। ऊपर का जो है वो पूरा टेरेस एरिया है। और यहाँ जो है ये रिसेप्शन है, WC है, और ये भी जितने हैं यहाँ पे सारे जो है रूम्स में, इनमें से एक हमारा रूम्स है। हेलो चले चलते हमारे रूम में, बहुत ही यूनिक होने वाला है हमारे साथ, क्योंकि इस तरह का एडवेंचर इस तरह से हमने कभी के रहा नहीं है। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है। और हमारे माशाल्लाह से 3 दिन हैं। और ये रहा हमारा रूम। आ गए हमारे स्पेशल और कुछ यूनिक से होटल में, जो है केव, जो है कैपिडोकिया में। चलो एंटर करते हैं। तो ये है हमारा रूम। यहाँ का एक्सपीरियंस आई एम श्योर बहुत ही यूनिक होने वाला है हमारे साथ, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और ये है बच्चों का बेड, 2 सिंगल बेड है। इस तरह की छोटी छोटी सी ना अलमारी टाइप, ये लोग ने जो हम लोग डेकोरेशन के हिसाब से रखते हैं उस तरह का कुछ है। और ये है एक बड़ा सा बाथरूम। इतना बड़ा बाथरूम कोई होटल में नहीं था। ये बड़ा सा खूबसूरत सा बाथरूम है, बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किया है ऐसे, बहुत ही क्लीन और नीट। हर चीज़ का, हर सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, कोई ऐसी चीज़ नहीं, शावर से लेके एवरीथिंग इज़ देयर। और यहाँ आता है हमारा बेड, ये है डबल बेड। अगेन यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी अलमारी दी है, ये लोग अपने डेकोरेशन के लिए वास वगैरह सब रखे हैं। साइड लैंप्स है, देखिए साइड लैंप्स वगैरह है। और ये एक काउच है, और ये भी एक तरह का सिटिंग एरिया है केव के अंदर का, जैसे हम चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। टेबल LED, और ये भी एक साइड टेबल दिया है इन्होंने, चाय कॉफ़ी का भी सारा इंतज़ाम दिया है। और ये है हमारा केव वाला वार्डरोब। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर रह के, बहुत ही एक्साइटिंग सा मुझे अभी से इतनी फीलिंग आ रही है, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त होने वाला था। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर। कैपिडोकिया में आज हमारा दूसरा दिन है, सुबह का दिन है, सुबह हो गई है। और हम लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ का जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है ऑब्वियसली वो भी प्रोवाइडेड है, तो ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह का। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, डिफरेंट टाइप की चीज़, ऑलिव्स, टमाटो, ककम्बर, 3 डिफरेंट जैम है, स्ट्रॉबेरी, चेरी, न्यूटेला, और ये है हनी, और ये बटर होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलिव विद सब फ्रेश एंड बेकली ब्रेड्स। तो ये रहा हमारा कंप्लीट ब्रेकफास्ट, हमारा टर्किश ट्रेडिशनल नाश्ता। तो हम शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। और ये जो हमारा केव है इसका एक्सपीरियंस भी कुछ न्यू था। आप देख सकते हैं मेरे, हम जो है अभी फ़िलहाल यही इसी केव में ही हैं, सभी निकलने वाले हैं। और आप मेरे पीछे का व्यू देखें, अमेजिंग, बहुत मतलब बहुत ही कुछ यूनिक था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।